हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज जवान कैसे लग रहे हो? है ना, सही होता। बाल और ब्लैक करा लेते हैं तो एकदम परफेक्ट जवान लगते हैं। करा तो लिए। अरे फिर आर्टिफिशियल लगते हैं यार, झूठे बाल काले करा के हैं। आपको आपकी बीवी का खाओ तो। अरे तो तुम तो यार लहसुन प्याज का कर दो यार, मैं तो पूरा प्रॉपर बनना है, टेस्टी टेस्टी खाना। हम बहुत टेस्ट ले चुके हैं जिंदगी में। धोने के कपड़े दो, लॉन्ड्री वाला आ गया। हम लोगों ने पता क्या मंगाया? कैमरा के लिए फ्रिज। ये आज मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। वैसे दो बार से बोल रहा हूँ कि अनबॉक्स करेंगे, हर बार रह जाता है वो। लेकिन आज कैमरे के लिए फ्रिज। फ्रिज हाँ, कैमरे में बर्फ जमा देते हैं, फिर वो ठंडा हो जाता है ठंडी से, और ठंडी फोटो अरे वो क्या कैमरा में ना फंगस लग जाती है, पूरा का पूरा कैमरा खराब हो जाता है। फिर वो ना जैसे ना एक लेंस खराब होता है 20-30 हज़ार रुपए लगते हैं उसको सही कराने में, इसलिए फिर कैमरा फ्रिज मंगा लिया। फंगस लग जाता है, अगर रखा रहता है ना कैमरा, रखे रखे फंगस। तुम्हारे रखा कर रहता हूँ तो काम आएगा बराबर। अरे लेकिन ओपन में तो रखा रहता है ना अपने, कभी भी लग जाती है फंगस। हाँ फंगस लग जाती है। इनका टिप का खराब हुआ जब भी मैंने ट्रेन लगाया। फ्रिज आया है आपको आपके चक्कर में वो मिक्स में ऐसे हाथ से। अरे यार दिमाग से निकल, अब यार ये दिवाली की बात दौड़ में दिमाग से निकल गई। इतने दिन से हमारे को खाना बना रही है, लेकिन आज के दाल चावल रायता मतलब बेस्ट बना दिए जो हमें चाहिए थे ना। आज खा के इतना मजा आ रहा है कि क्या बताऊं मैं आपको। वरना रोज कभी मिर्ची तेज, कभी मिर्ची कम, कभी क्या कम, कभी क्या ज्यादा। आज परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। और मतलब चारों को पसंद आ गया, वरना ऐसा हो रहा था किसी एक को पसंद आ रहा था, किसी एक को नहीं आ रहा था। मुझे कस्तूरी मेथी नहीं पसंद है। वाह, और डाल ले इसमें और मसाले डाल ले। काला नमक खा के पता क्या करता रहता है इंसान? क्या गर्दन नहीं घूम रही तेरी? उधर देख, बदतमीज। दो लोग फ्रेम में है। एक मेरी फेवरेट, एक मेरी फेवरेट का फेवरेट। चल ओह माय गॉड। कोई मेरी गाड़ी की चाबी दे दो, किसी ने देखी है तो चलें स्पा लेने। यशी का तो स्पा स्टार्ट होने वाला है, मैं क्या करूँ यहाँ बैठे बैठे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि हेयर कट और बियर्ड का सेट करवा लूंगा, लेकिन संजीव भाई नहीं है, वो चले गए दुबई। तो अभी मुझे जितना भी टाइम इसको लगेगा उतनी देर बस मुझे बोर होना और कुछ भी होना। वैसे तो मैंने कॉफी मंगवा ली अपने लिए। अब तू एक बात बता, जितनी देर तेरा ट्रीटमेंट चलेगा मैं क्या करूँ उतनी देर? मैं तो कह रही तू भी करा ले। मैं क्या करूँ? करा ले कुछ अच्छा, रिलैक्सिंग हेड मसाज और एनीथिंग। करा सकते हो? तेरे बाल भी बहुत वैसे हो रहे हैं। वैसे बाल मेरे तो क्या सेक्सी हो रहे मेरे बाल यार। अरे नहीं सही है मेरे दोस्त, और टाइम लग जाएगा। नहीं, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बॉयज वालों में टाइम ही नहीं लगता, मेरे वालों में टाइम लगेगा। तू करवा ले जा यार। मैं पूरी मूवी देख ली थी इसके बैठे बैठे। चलो थैंक यू बाय। टीपू भैया की तो रेल बनी हुई है अभी, है ना? वेडिंग सीजन आ चुका है, कभी एक दिन फोन आ रहे हैं। कल थे वाराणसी, आज आ गए जयपुर। नहीं कल थे, कहाँ गए थे? वृंदावन। कल वृंदावन थे, हाँ। अब आज आ गए जयपुर, वापस दो तीन दिन बाद जा रहे हैं वाराणसी। फोन कर रहे थे आगरा की कैब बुक करनी है। टीपू भाई की रेल बनने वाली है, दो महीने, ये दो महीने बाद एक और गाड़ी निकलवा लेंगे। पतला हो जाऊंगा दो महीने तक। नहीं यार पतले तो नहीं हो गए, पिछली बार भी नहीं, आज तक ही नहीं हुए। जितना काम कर दो पूरे दिन में उसमें आप खा भी लेते हो दाल बाटी चूरमा। हाँ कुछ कमी हो तो बताओ। चलो यार अभी वो चद्दर वद्दर लेकर आओ, भूत वाला लुक लेते हैं। अनबॉक्सिंग भी करेंगे, अनबॉक्सिंग लाइव में धूलो, उसका पहले पूरा बैकग्राउंड सेटअप करना है। चलो तो फिर देखिए इधर ही लगा देते हैं इसका, अमेज़न लाइव का सेटअप तो इधर कर ले। सेटअप लगाते हैं, सेटअप लगा के इसको फ्री करते हैं, फिर अपन लोग भूत भूत वाला लुक लेते हैं और फिर उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे। अपन नीचे चले और बाहर चले, जैसे गार्डन में थोड़ा। गार्डन में भी चलेंगे, रुक जाओ यार। भूतों को पीट रहा हूँ, हम पीट रहे हैं वहाँ पे। इसका सेटअप करते करते लाइव सेशन का ही टाइम हो गया, अब 45 मिनट तक हम कुछ बोल नहीं सकते। yes. शांति से बैठे रहो। फाइनली इसका सेशन खत्म, अब हम बनते हैं भूत। या पहले अनबॉक्सिंग, भूख में पहले भूख सुनाई दी। सबको ना अनबॉक्सिंग की लगी हुई है। चलो ठीक है पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। वो फ्रिज देखना, मैंने देखा ही नहीं। यार फ्रिज, यार हमारे घर में एक ही फ्रिज है। अब फ्रिज में खाने के अलावा कुछ और भी होगा तो फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। तो लेट्स अनबॉक्स द फ्रिज। चलो चलो तो अनबॉक्स करें। मुझे सीजर चाहिए, सीजर 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 चाहिए। सारा कुछ सीजर ही नहीं है। तुझे चाहिए, हमें दे नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है।
गाइस वो एक्चुअली क्या यहाँ पे हमने बहुत सारे सूरज जैसे ना वो लट्टू जला रखे हैं जिनसे बहुत गर्मी हो गई थी, इसकी वजह से मैं टी शर्ट चेंज करके आया हूँ। ओके भाई बताए क्या सीन था उसमें, यार बहुत काला आ रहा था। चक्कू लगे तू के धार वाला। हाँ भैया इससे तो एक घंटा लग जाएगा अपने को। तो भाई लग जाएगी इससे। और दूर वो बाकी अगले ब्लॉग में करेंगे। अरे यार 10 मिनट से आपसे एक ऊपर की टेप नहीं हटी। क्या इतने में तो भैया मैं हटा देती। तो पहुंच भी नहीं पाती वहां तक। कुछ भी कहो मीकू से लंबा ही हो गया फ्रिज। इसको तो तू ही फोड़ेगा, सॉरी तोड़ेगा, अपने हाथों से ऐसे तोड़। भैया आराम से निकालना पड़ेगा। हां भाई आम की पेटी लग रही पकड़ना। ये तो बड़ा पीस से भी सुंदर है। ये तो तिजोरी है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो सेक्सी हमारे कैमरास के लिए, तो जितने हमारे कैमरा प्यार है उतना ही सेक्सी फ्रिज है यार। मजा आ गया इसको देख के। ये भी ना नीचे। अच्छा ये अभी इसको लगाओ उसपे, पहले रखते हैं ये हमारे कैमरास रखने के काम आएगा बेसिकली। मैं बताता हूँ आपको, ये लेंस होते हैं ना सबसे ज्यादा, ये अभी ये 1.6 लाख रुपीस का लेंस है ये। हाँ और डेढ़ लाख रुपए वाला है ये। अरे मैंने दिया था ये क्या? हाँ अरे मुझे। तो इसमें ना फंगस लगने के बहुत ज्यादा चांस, अब के पूरे टाइम रखे रहते हैं ना कभी बार, अब मान लो यूज नहीं आया अपन ने, थोड़े दिन बाहर चले गए तो चांसेस रहते हैं, दो चार महीने भी अगर ये रखे हुए रहेंगे ना तो फंगस लग जाती है। एग्जांपल हमारे पास हाँ भाई 20,000 का झटका खा चुका हूं। 20,000 का झटका खा ली 10-15,000 का, वो 45,000 वाला लेंस था उसमें 20 का गया था। तो जी मास्टर सोनी का ओरिजिनल है, अगर इसका बात करूं पुराना करके 70,000 से 80,000 रुपए मिनिमम है। तो जैसे ही इनकी ये चीज मैंने सुनी ना, मैंने कहा भाई पहले ऑर्डर करो ये फ्रिज, क्योंकि भाई हम भी चले जाते हैं। अब चार पांच कैमरा हो गए ना, कभी जो हम एक यूज करने लग जाते हैं ना उसी को यूज करते रहते हैं, बाकी दूसरा पड़ा रहता है साइड में, वो यूज करने के दिमाग में नहीं रहता। जैसे ये कैमरा हमारा ये रखा हुआ ही था एक जगह पे, अब ये ऐसे नॉर्मली जाएगा अच्छी जगह पे भी रख दोगे ना तो कुछ पता नहीं रहता कब इसमें फंगस लग जाए। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैंने कहा भाई ये फ्रिज चाहिए अपन को। तो इसमें क्या, ये देखो स्टार्ट करता हूँ मैं इसको, ये लगाया बटन, ये स्टार्ट, और स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये टेम्परेचर सेट करता है खुद के हिसाब से, जो कि कैमरास के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी किल कर देता है, बिल्कुल सही बोला ना मैंने, जर्म्स किल कर देता है। और ये लॉक्ड रहता है, ना एयर आती है ना जाती है। हाँ, तो अब इसको खोलेंगे हम, अब से ना लेंस ये हमारे कैमरास ना सीधे काम हुआ, उसके बाद सीधे इसके अंदर जाएंगे। इसमें आराम से चार कैमरा, 5-6 नीचे लेंसेज वगैरह एक्स्ट्रा कुछ चीजें, हां एक्स्ट्रा लेंसेज भी रख सकते हैं। मतलब इसको बंद करो और मेरी चाबी कहां गई? चाबी लगाओ, ये हमारी तिजोरी बंद हो गई पैक। तो ये नेक्स्ट चीज भी बॉक्स अनबॉक्स कर ले। ये हमने एक और बॉक्स मंगाया है, आज अनबॉक्सिंग वीडियो बन रही है। गाइस अगर इतनी अनबॉक्सिंग करोगे तो मैं भी एक चीज अनबॉक्स कर लूं। क्या बैग है? रहने दे, चुप रहे, ओए रहने दे। अरे ये क्या है? ये तो मस्त चीज है, जोमेटो का जैसा खेला। अरे यार मेरा भी देख लो, ये बन गया। अरे वाह यार ये बहुत सही चीज है। ये बन गया बॉक्स हमारा। अरे तू इसमें अपना कैमरा चार्जर सारा रख के क्या बना? अटैच कर, अटैच करा सारी केबल्स लेकर आना एक बार। अब ये बेसिकली हमने पता क्यों मंगाया, क्योंकि ना हम लोग है ना हमेशा कोई कहाँ केबल रख देता, कोई कहाँ चार्जर रख देता। अभी देखो कॉर्नर देखो हमारा कैसे उलझा हुआ है, पूरा पूरी छोटी जगह। तो मीकू को पैक कर सकते हैं क्या? अरे एक तो एक चीज, हर चीज में मीकू पैक हो जाती है। अब ये बाहर के साइड में रख दूंगा मैं इसको, तो कोई भी चीज होगी सारी केबल्स वगैरह इसमें रखी जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यार। तो भाई ज्यादा होती जा रही है अपनी केबल्स। ये रख 30,000 रुपए का रोड का माइक इसमें। अरे रोड के माइक के साथ तो हमारे साथ चोट हो गई दो बार ही। एक बार मंगाया था तो खराब निकल गया, दूसरी बार मंगाया तो भी खराब निकल गया, रिप्लेस होकर आ गया तो भी खराब था। अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, एक बार ही रिप्लेस करेगा, कोई भी बोलेगा बोले साले पागल बना रहे कुछ तो। हाँ ये रहा ना, ओ माय गॉड भाई, इसका तो मीकू को ही पैक करो भैया इसमें। यार गाइस मैं बताऊं कि सच्ची बताऊं कि मेरे को इसका क्या यूज लग रहा है, इसको ले जाओ ट्रैवलिंग में, इसमें रख दो अपने जूते और ना ले 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 ये बात तो निकाल अभी तक बक्सा हो गया है तो बक्सा। चलो गाइस 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 अब भूत बन के बिल्डिंग में घूमते हैं अपन लोग। अरे पागल हो गया, 12 बज रहे हैं, डर जाएंगे लोग। डर जाएंगे, डर जाएंगे। तो कोई बात नहीं। क्या हो गया? चींटियां हो गई सारे किचन में यार। जब किचन हम लोग मेंटेन करते ना एक चींटी नहीं थी। तो एक काम करो, अब तुम ही मेंटेन करो। अरे गिर जाएगा। पागल बनाता है।
अभी गिरा तो देख लेना पहले मेरी कसम नहीं मानी कौन सी कसम मैं मर जाऊंगी अब कौन मर गई अब तुझे मेरी कसम भी नहीं सुनाई दे रही है इधर देख अरे बदतमीज मेरी बात सुन रुक जा पहले एक सेकंड अरे भैया अपने घर में चार रूम हो रहे हैं और चला 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 आपके रूम में कुछ तोड़ने फोड़ने दीदी अरे दीदी मेरे भी कपड़े वो वाले बहुत भारी है आपको दीदी आपको भी ट्राई करना चाहिए एक बार अरे सूरज भैया नहीं मारेंगे मैं हूँ चश्मा तो हटाओ सूरज भैया देख लो दीदी कौन मारा है चश्मे की ठंडी है भी चश्मा ओ दीदी आपका चश्मा भी तोड़ दिया मीकू ने मैंने नहीं तोड़ा इन्होंने मुझे धोखा दिया ये मेरा वो वाला चश्मा टीपू भैया ना पहले तो पूछे टमाटर प्याज है क्या मैंने कहा प्याज टमाटर तो है नमकीन कौन सी है भुजिया नहीं है क्या मैंने कहा नहीं आलू भुजिया अच्छा तो एक काम करता है टमाटर प्याज नमकीन डाल के मैशअप बना भाई अपन चार ही है ना एकदम से पांच दिख जाए तो भाग जाना सब ठीक है अरे गाइस चश्मा खो गया घर में से ये पता है अभी चश्मा गिरते गायब हो गया अच्छा भाई वो तो पांच बार मैंने लिया शूट कर रहे हैं इनसे एक डांस ही नहीं हो रहा है कभी किसका चश्मा गिर रहा है कभी किसकी चादर गिर रही है कभी अभी ना हम ये नई अटैची लेके जा रहे हैं रोड पे फोटो खिंचाने भाई भूत आ गए यहाँ पे इसके साथ फोटो अच्छी आएगी रात को 1:30 बजे बाहर शूट करने जा रहे हैं हम लोग भाई सड़क के लोगों की फोटो हो जाएगी आते जाते की बात भाई मारते भी हम बहुत बुरी तरीके से कोई गाड़ी से टक्कर दे जाए मैं तो भाग के आ जाऊंगा तो कैमरा लेके भाग जाऊंगा टाइम देखो और ये देखो साइड में कुत्ता क्या सूरज भी खाएगा आपको नहीं मैं तो नहीं करूँ कुछ स्पीड के साथ जाए और दीदी जाओ हाँ गाड़ी आ रही है अरे बस बस यहाँ से पकड़ो यहाँ से नहीं अरे ऐसे नहीं दिखेगा एक लो आगे ना देखने से गार्ड साहब देख रहे हैं दो दो भाई क्या चक्कर है आज अरे हेलोवीन है ना कार खुली हुई है अच्छा ठीक है
भाई मैं तो डर गया था। मैंने कहा हमारे साथ ही गोस्ट प्रैंक हो रहा है।